दिल्ली का ये शख्स अमीरी में अंबानी को भी देता है टक्कर। हर रोज दान कर देता है 5 करोड़ से भी ज्यादा रुपया। लोग बोले कहां से आई इतनी संपत्ति, दौलत इतनी की संभाली नहीं जाती। और दरिया दिली ऐसी कि किस्से खबरों में छाए रहते हैं। इस शख्स की अमीरी का किस्सा आपको हैरान कर देगा। देखिए कौन है ये आदमी और क्या है इसकी इनकम का सोर्स। वाकई इसकी कमाई का आंकड़ा हैरान करने वाला, हक्का बक्का और भौचक्का कर देता है। अमीरी की बात चले तो टाटा, अंबानी और अडानी का नाम सबसे पहले लिस्ट में आता है। लेकिन एक शख्स है जो इन सबको भी टक्कर देता है, जो हर रोज करोड़ों की संपत्ति को दान कर देता है। और ये शख्स अब सुर्खियों में गदर काट रहा है। जब से इसकी दानवीरता के किस्से सामने आए हैं, तब से सबके जहन में एक ही सवाल कौंध रहा है कि आखिर इतनी संपत्ति इसके पास आई कहां से और कैसे ये इतनी कमाई करता है जो हर रोज करोड़ों रुपया दान कर देता है। तो चलिए इस नए नए अमीर की पूरी कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं, जो अब सुर्खियों में है। जैसा कि सबको पता है कि फोर्ब्स ने कुछ समय पहले अमीरों की लिस्ट जारी की थी। उसके मुताबिक देश की टॉप आईटी कंपनियों में शामिल HCL टेक्नोलॉजीज के फाउंडर और चेयरमैन अमीरेटस शिव नाडर दिल्ली के सबसे अमीर शख्स हैं। ब्लूमबर्ग विलेनियर इंडेक्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ $36.8 अरब है। वो मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और शाहपुर मिस्त्री के बाद भारत के सबसे अमीर शख्स हैं। लेकिन चैरिटी यानी पैसा दान करने के मामले में वो इन सब पर भारी हैं। नाडर ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में 2042 करोड़ रुपए का दान किया, यानी उन्होंने हर रोज दिन में 5.6 करोड़ रुपए दान किए। इसे पिछले साल भी वो दान देने के मामले में नंबर वन रहे थे। शिव नाडर का जन्म 14 जुलाई 1945 को तमिलनाडु के थुटुकली जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन में उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कोयम्बटूर के PSC कॉलेज से इलेक्ट्रिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद उन्होंने 1967 में पुणे के बालचंद ग्रुप के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के DCM ग्रुप के साथ एक कंप्यूटर प्रोग्रामर के तौर पर नौकरी की, लेकिन नौकरी में मन नहीं रमा और साल 1976 में नाडर ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर 1,87,000 रुपए के निवेश से HCL की स्थापना की। हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड यानी HCL की शुरुआत एक गैराज से हुई। शुरुआत में ये कंपनी कैलकुलेटर बनाती थी। नाडर की लीडरशिप में कंपनी ने दिन दूनी रात चौगनी प्रोग्रेस की और जल्द ही एक ग्लोबल IT सर्विसेज कंपनी बन गई। आज HCL की 60 से भी ज्यादा देशों में मौजूदगी है और इसमें 2,22,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। जुलाई 2020 में नाडर ने कंपनी के चेयरमैन का पद छोड़ दिया और इसकी कमान अपनी बेटी रोशनी नाडर मल्होत्रा के हाथों में सौंप दी। वो कंपनी के चेयरमैन एमेरिट्स और स्ट्रेटेजिक एडवाइजर हैं। IT सेक्टर में महत्वपूर्ण योगदान के लिए साल 2008 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 78 साल के शिव नाडर देश के दानवीरों की लिस्ट में लगातार दूसरे साल नंबर वन पर रहे। एडेल गिव हुरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2023 के मुताबिक नाडर ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में 2042 करोड़ रुपए का दान दिया। इस दौरान उन्होंने हर दिन 5.6 करोड़ रुपए का दान दिया। इस दौरान देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी ने 376 करोड़ रुपए दान दिया। नाडर ने 1994 में शिव नाडर फाउंडेशन की स्थापना की थी, जो शिक्षा और ग्रामीण के क्षेत्र में काम करती है। कोरोना काल में भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर दान दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।